हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं न्यू वीडियो है, न्यू वीडियो के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़कियां मेकअप करती है लेकिन मेकअप के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी रेडी नहीं हो पाती है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ 5 मिनट के अंदर आप कैसे मेकअप करके रेडी हो जाते हैं। तो आप जब भी गर्ल्स मेकअप करने लगती है तो कम से कम 1 या 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर कोई भी मेकअप नहीं कर सकते। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 5 मिनट के अंदर आप कैसे अपना मेकअप कर सकते हो सिंपली, लाइटली, बिना मेकअप, कुछ भी आपको फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, नॉर्मली आपसे कैसे रेडी हो सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पर निविया की क्रीम लगा ली अपने फेस पर। निविया की क्रीम लगाने के बाद आप जो है आप कोई भी जो आप फेस पाउडर यूज करते हो वो यूज कर सकते हो। फेस पाउडर लगा लीजिए सबसे पहले जो है आपको निविया क्रीम लगानी है। निविया क्रीम लगाने के बाद आपको फेस पाउडर यूज करना है। सो बेसिकली मैं जो ये व्हाइट टोन का पाउडर है ये यूज करती हूँ, तो व्हाइट टोन का पाउडर मैंने अब लगा लिया है। निविया क्रीम लगाने के बाद मैंने लगाया है व्हाइट टोन का पाउडर। कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, ना फाउंडेशन वगैरह कुछ भी करना है, नॉर्मली लाइट मेकअप कर रहे हैं हम। तो जब आप पाउडर अपने फेस पे लगा लेते हो तो उसके बाद आपको लगाना है लाइनर। लाइनर हमारी आईज के लुक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, तो हम सबसे पहले लगाते हैं लाइनर। लाइनर दोनों आईज में लगा लिया है। अगर आप जल्दबाजी में लाइनर, किसी किसी को जल्दबाजी में लाइनर नहीं लगता है, अगर किसी को लाइनर लगाना नहीं आता है तो बेसिक काजल से भी अपना लाइनर कर सकते हैं या फिर नॉर्मली जो काजल होती है वो लगा सकते हैं। तो लाइनर लगाने के बाद जॉब है मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेरे को लाइट लिपस्टिक अच्छी लगती है इसलिए मैं लाइट लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर आपको डार्क या कोई भी शेड अच्छा लगता है आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली है और लिपस्टिक लगाने के बाद बहुत सारा होता है, आई शेडो लगाना होता है, ब्लशर लगाना होता है, लेकिन मेरे पास ब्लशर नहीं है। अगर आपके पास भी ब्लशर नहीं है तो बहुत ही सिंपल, अगर आप कहीं पर टूर पर गए हुए हो या फिर कहीं वेडिंग में हो, अगर आप ब्लशर लगाना भूल गए हो या फिर आई शेडो ले जाना भूल ही गए हो, आपके पास है ही नहीं, तो उसका मैं हैक बता रही हूँ आपको कैसे करना है। जो आप नॉर्मली जो आपको रेड लिपस्टिक होती है वो हमेशा किसी सबके पास होती है रेड लिपस्टिक, तो आपको रेड लिपस्टिक लेनी है और रेड लिपस्टिक ओपन करना है और जो जहां ब्लशर लग रहा है वहां पर आपको नॉर्मली टैप टैप करना है। दोनों साइड आपको हल्का हल्का जो है वो टैप करना है, नोज पे हल्का सा टैप करना है और इसको ब्लेंड करना है। आपको जो रेड लिपस्टिक होगी वो मैट नहीं लेनी चाहिए, ग्लॉसी जो लिपस्टिक होती है वही यूज करनी है। अगर आप मैट लिपस्टिक यूज करोगे तो मैट लिपस्टिक जो होती है वो ड्राई होती है और आप स्किन को रब करते जाओगे लेकिन वो मैस नहीं होगी। यहाँ पर हमारे ब्लशर तो लग चुके हैं और हमारे अब आई शेडो की बारी। आई शेडो अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम रेड लिपस्टिक से जो है वो एक फिंगर लेकर उसमें टैप करके और आई शेडो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यूज कर रही हूँ वैसे ही आप अपना आई शेडो अगर लेके नहीं गए या फिर आपके पास है नहीं तो आप आई शेडो भी इससे यूज करके लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आई शेडो भी डन हो चुका है, आई शेडो लग चुका है, ब्लशर हो चुका है। और तो सारा मेकअप हो जाने के बाद जो होते हैं हमारे आईब्रो वो सबसे मेन होते हैं हमारे फेस पर मेकअप के साथ। तो नॉर्मली काजल के साथ हम अपना आईब्रो बना सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है आपके लाइट है या फिर आईब्रो हुए नहीं है, आपने कराना भूल गया आईब्रो, तो जो काजल होती है नॉर्मली आप उससे अपना आईब्रो जो है वो सेट कर सकते हैं। एकदम नॉर्मली आपको काजल लेनी है हल्की हल्की सी और टैप करना है और इस तरह से आपके जहाँ आईब्रो नहीं किए हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे, वहां पर आप अपने आईब्रो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आईब्रो भी हो चुके हैं डन, तो हमारा मेकअप रेडी हो चुका है, आईब्रो डन हो चुके हैं, मेकअप फुल रेडी हो। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाइए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।